वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द नाइट IAS। इस वीडियो में आपको भारतीय दर्शन के बारे में कुछ बताऊंगा, दर्शन शास्त्र के बारे में बताऊंगा, इंडियन फिलोसफीज के बारे में बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये एंशंट आर्ट एंड कल्चर, एंशंट हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगा, हेल्प करेगा और आपको अच्छे मार्क्स गेन करने में पूरी हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले सांख्य फिलॉसफी ये प्रकृति की देन थी, प्रकृति के लिए थी और इसे जो है महामुनि कपिला जो संत थे उन्होंने दिया था। नेचर स्पेसिफिक थी, द प्रेजेंस ऑफ डिवाइन एजेंसी, दैट मीन्स ये कि भगवान की स्थिति, दैट मीन्स डिवाइन एजेंसी इज नॉट एसेंशियल टू क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इस संसार को बनने में भगवान की जो रोल है, भगवान का जो रोल है वो था या नहीं था इसके ऊपर ये है कि इट इज़ नॉट एसेंशियल, दैट मीन्स वो जरूरी नहीं है कि इस संसार को बनने में किसी दैवीय शक्ति का हाथ हो। तो नेक्स्ट, द वर्ल्ड ओज इट्स क्रिएशन एंड एवोल्यूशन मोर टू नेचर दैन द गॉड, दैट मीन्स ये है कि प्रकृति की तरफ ज़्यादा ध्यान केंद्रित करती है ये फिलॉसफी, भगवान की तरफ कम ध्यान करती है इस संसार को बनने के लिए। एंड इसका जो व्यू था, पॉइंट ऑफ व्यू था, वो रैशनल और साइंटिफिक था, दैट मीन्स ये कि तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस फिलॉसफी का था। इसके अंतर्गत पुरुष एंड प्रकृति इंट्रोड्यूस टू सांख्य सिस्टम, पुरुष और प्रकृति दोनों को इस फिलॉसफी के अंदर, सांख्य सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। नेचर एंड स्पिरिचुअल एलिमेंट टुगेदर क्रिएट वर्ल्ड, दैट मीन्स ये है कि प्रकृति और आध्यात्मिक तत्वों से ही ये संसार मिलकर बना है इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग यही कहा गया। एंड अ पर्सन कैन अटेन सॉल्वेशन द रियल नॉलेज थ्रू प्रत्यक्ष परसेप्शन एंड अनुमान एंड हियरिंग शब्द, दैट मीन्स ये है कि कोई भी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति इसके अनुसार इस तरीके से कर सकता है कि यदि उसके पास वास्तविक ज्ञान हो प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन के द्वारा और अनुमान, दैट मीन्स गेस और हियरिंग शब्द के द्वारा। तो इंडियन फिलॉसफीज में ये पहली सांख्य फिलॉसफी फ्रेंड्स ख़त्म हो गई है। अब इसके बाद हम देखते हैं योग फिलॉसफी, ये फिज़िकल एक्सरसाइजेज यानी कि आपकी जो भी व्यायाम हैं उनके अकॉर्डिंग दिया गया। और बेसिकली ये योग गुरु पतंजलि जी ने दी योग फिलॉसफी, और इसके अनुसार पर्सन कैन अटेन सॉल्वेशन थ्रू मेडिटेशन एंड फिजिकल एप्लीकेशन प्रैक्टिस ऑफ कंट्रोल ओवर प्लेजर, दैट मीन्स ये है कि अपने सुख समृद्धि के ऊपर अगर आदमी कंट्रोल करे और मेडिटेशन और फिजिकल एप्लीकेशन को अप्लाई करे तो भी एक व्यक्ति जो है वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थी आसन, यानी कि बैठना ये सब जैसे भी करते हैं, आसन करते हैं कोई भी व्यायाम करने के लिए, गेस्चर होता है, पोजिशन होती है, उसको आसन कहते हैं। प्राणायाम एक बहुत फेवरेट योग की फेवरेट एक्सरसाइज थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, दैट मीन्स उसे हम कहते हैं ब्रेथ कंट्रोल और आसन को कहते हैं कंफर्ट पोजीशन। और मोस्टली फेवर्ड यम यानी रिस्ट्रेंट, नियम यानी डिसिप्लिन एंड प्रत्याहारा, दैट मीन्स विड्रॉल ऑफ सेंस एंड ध्यान, मेडिटेशन एंड समाधि, टोटल एब्सॉर्प्शन समाधि को कहते हैं टोटल एब्सॉर्प्शन। सो फ्रेंड्स, ये योग फिलॉसफी थी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं न्याय फिलॉसफी क्या थी। न्याय फिलॉसफी ये गौतम ऋषि ने डेवलप्ड एज ए सिस्टम ऑफ लॉजिक एनालिसिस, यानी कि न्याय फिलॉसफी के अंतर्गत इसके अनुसार लॉजिक और जो भी लॉजिक थे और एनालिसिस यानी कि जो भी हमारी विश्लेषण था उसके अकॉर्डिंग ही न्याय फिलॉसफी गौतम ऋषि ने दी। और इन्होंने बताया कि संसार में ये सब कुछ इसी के कारण लॉजिक और एनालिसिस के बेस पर ही बना है। सॉल्वेशन थ्रू अटेन नॉलेज, दैट मीन्स ये कि मोक्ष की प्राप्ति केवल और केवल ज्ञान को प्राप्त करके ही की जा सकती थी, इस दर्शन शास्त्र के अनुसार दिया गया। एंड अ स्टेटमेंट इज टेस्टेड थ्रू इन्फ्रेंस, हियरिंग एंड एनालॉजी, दैट मीन्स ये कि कोई भी वाक्य जो है, कोई किसी के द्वारा भी बोला गया वाक्य, अगर जो वाक्य है उसकी सत्यता को चेक करना है तो वो इन्फ्रेंस और हियरिंग एंड एनालॉजी, यानी कि सुनना, एक तो सुनना ज़रूरी है, उसके पीछे ध्यान लगाना ज़रूरी है, उसके पीछे अपने लॉजिक्स लगाने
ज़रूरी है, उसका वैज्ञानिक विश्लेषण बहुत ज़रूरी है। हाउ यूज़ लॉजिक, इन्होंने बताया कि लॉजिक को भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स ये है कि एक इन्होंने एक मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि यदि कहीं आग लगी है तो देयर विल बी ऑलवेज अ स्मोक, देयर विल बी ऑलवेज अ स्मोक, यानी कि अगर आग लगी है तो धुआं तो ज़रूर होगा। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम नेक्स्ट हम देखते हैं वैशेषिका फिलॉसफी। वैशेषिका फिलॉसफी मटेरियलिस्टिक थी, ये जो है सांसारिक थी और सामाजिक थी, बाय ऋषि कनाद, 2nd century BC में थे ये, और इन्होंने गेव इम्पोर्टेंस टू मटेरियल थिंग्स कॉल्ड द्रव्यास, दैट मीन्स ये कि ठोस द्रव गैस, इसका जो नियम था इन्होंने माना, मटेरियल थिंग्स इनसे मिलकर बनी हैं, ही प्रोपाउंडेड एटम्स थ्योरी, इन्होंने एटम्स थ्योरी परमाणु के नियम को माना, थिंग्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, यानी कि कोई भी वस्तु है वो एटम्स से मिलकर बनी है, बिगनिंग ऑफ फिजिक्स इन इंडिया, दैट मीन्स ये है कि इन्हीं के द्वारा स्टार्ट फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का जो शुरुआत होती है वो इन्हीं के द्वारा होती है, एंड दिस स्कूल पुट इट्स फेथ इन बोथ हेवन एंड सॉल्वेशन। इस वैशेषिका फिलॉसफी ने जो है कि स्वर्ग और मोक्ष दोनों के ऊपर अपना विश्वास बनाए रखा। तो फ्रेंड्स, ये वैशेषिका दर्शन शास्त्र, इसके बारे में हमने कुछ जाना। अब इसके बाद हम देखते हैं मीमांसा टाइप ऑफ फिलॉसफी, ये मतलब ऋषि जैमिनी ने दी, और इन्होंने जो है आर्ट ऑफ रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन इसको अब बेस माना इस फिलॉसफी के लिए। और फ्रेंड्स, इसे मीमांसा फिलॉसफी को ही पूर्व मीमांसा फिलॉसफी भी कहते हैं, और बेसिकली ये पहले आई थी। रीजनिंग यूज्ड टू प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर वेरियस वैदिक रूल्स अकॉर्डिंग टू वेदास कंटेन्स इटर्नल ट्रुथ। इन्होंने बताया कि मतलब कि तर्क होने चाहिए वैदिक रूल्स के लिए, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू वेदास, जो वेद हैं उन्होंने ही सार्वभौम सत्य को ग्रहण कर रखा है। सॉल्वेशन डिपेंड्स ऑन देयर परफॉर्मेंस, यानी कि मोक्ष जो है उन वैदिक रिचुअल्स को परफॉर्म करने के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप किस भावना से उसे परफॉर्म करते हैं। स्ट्रांगली रिकमेंडेड द परफॉर्मेंस ऑफ वैदिक सेक्रीफाइसेस विच नीडेड द सर्विस ऑफ प्रीस्ट, दैट मीन्स ये है कि इन्होंने ये कहा कि वैदिक सेक्रीफाइसेस के लिए आपको कंपल्सरी है कि पुजारी यानी ब्राह्मण तो होना ही चाहिए और पंडित होना ही चाहिए, एंड देन रिजेक्ट द यूजुअल कॉस्मोलॉजिकल व्यू, जो भी आज उस टाइम पे देन जो भी कॉस्मोलॉजिकल व्यूज थे, सांसारिक नियम थे कि संसार की उत्पत्ति ऐसे हुई है, एटम थ्योरी, और ये इन्होंने जो है इतिहास में उसको अपोज किया, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। अकॉर्डिंग टू पूर्व मीमांसा फिलॉसफी जो है, दर्शन शास्त्र है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो द वर्ल्ड ऑलवेज एग्जिस्ट विदाउट द बिगनिंग और विदाउट द एंड। सो फ्रेंड्स, इन्होंने ये बताया कि संसार जो है हमेशा से था और हमेशा रहेगा, बिना किसी शुरुआत के और बिना किसी अंत के। सो फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो हमारी फिलॉसफी आती है, वेदांता फिलॉसफी। उत्तर मीमांसा इसे जाना जाता है, दैट मीन्स ये है कि ये बाद में आई पूर्व मीमांसा के, एंड इसको जो दिया है वो बद्र नारायण इन्होंने दिया है, और 2nd century BC ईसा पूर्व जो है वो 2nd शताब्दी में दी, एंड कल्मिनेशन ऑफ वैदिक स्पेकुलेशन यानी कि एंड ऑफ वेदास, दैट मीन्स ये है कि वेदांता फिलॉसफी इज वेदों का अंत, दैट मीन्स ये है कि जितने भी वैदिक रिचुअल्स थे उनको समाप्त करने के लिए कहा गया इस फिलॉसफी में, एंड इसके जो हैं 2 famous गुरु भी थे जो उस टाइम पे और जो कि इम्पॉर्टेंट थे इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, शंकराचार्य 9th century में थे, रामानुजाचार्य 12th century में थे, ये 2 बहुत इम्पॉर्टेंट गुरुज थे। एंड जो वेदांता फिलॉसफी थी, इन्होंने अर्लियर जितने भी उपनिषद थे, वेदों के बाद जो आए उपनिषद, उनको अपना बेस माना, आधार माना, और इसके अकॉर्डिंग ही फिलॉसफी आगे लोगों के बीच में पहुंचाई। एंड थ्योरी ऑफ कर्मा, इन्होंने कर्म को ही माना कि कर्म के हिसाब से ही पुनर्जन्म का निर्धारण होता है, दैट मीन्स, और मतलब दे बिलीव्ड इन बोध ब्रह्म एंड आत्मा, ये आत्मा में भी और ब्रह्म यानी कि भगवान ईस्ट जो आपका होगा उस पर भी यकीन करते थे, और आप अक्स जो आपकी आत्मा है उस पर भी यकीन करते थे, ये मानते थे कि शरीर तो सिर्फ एक कपड़े की तरह है जो आदमी चेंज करता है, एंड और इनडिस्ट्रक्टिबल, और ये मानते थे कि ब्रह्म और ईस्ट दोनों जो है इनका कभी भी अंत नहीं हो सकता, इन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता,
सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कुछ गुरुज जो वेदांता फिलॉसफी से रिलेट करते थे। शंकराचार्य 9th century, रामानुजाचार्य 12th century, और शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया था 9th century में। इन्होंने 4 जो है धम्म और पीठ भी इस्टेब्लिश की थी, जैसे कि ज्योतिष पीठ जो है वो बद्रीनाथ में है, बद्रीनाथ उत्तराखंड, एंड गोवर्धन पीठ जो है वो पुरी में है, उड़ीसा, जगन्नाथपुरी, एंड शारदा पीठ जो है वो द्वारिका में है, गुजरात, एंड श्रृंगेरी पीठ जो है वो साउथ इंडिया में है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारी पीठ इन्होंने इस्टेब्लिश की थी। रामानुजाचार्य जो है विशिष्ट अद्वैतवाद के लिए जाने जाते हैं 12th century में, और इसके बाद नेक्स्ट 13th century में 3 अलग अलग जो है फिलॉसफीज आती हैं वेदांता के रिलेटेड, और वो हैं माध्वाचार्य ने द्वैतवाद दिया था 13th century में, एंड विष्णु स्वामी ने शुद्ध द्वैत दिया था 13th century में, एंड निम्बर्काचार्य ने द्वैत अद्वैतवाद दिया था। ये फ्रेंड्स प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन सामने सामने रख कर आ जाता है, या मैच द फॉलोइंग या करेक्ट द स्टेटमेंट या फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो इसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। और मटेरियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ के बारे में कुछ जानते हैं कि उस टाइम पे मटेरियलिस्टिक व्यू क्या था, जो इस 6 फिलोसफिकल सिस्टम्स जो मैंने आपको बताए इसके अपार्ट था। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि क्या था प्रमोटेड, मतलब जो फिलोसफिकल सिस्टम थे इन्होंने आइडियलिस्टिक व्यू दिया था कि ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा होता तो नहीं था। सो फ्रेंड्स, इन्होंने कुछ संसारिक व्यू था जो मटेरियलिस्टिक था उसके बारे में हम जानते हैं, वो कौन कौन सी फिलोसफीज थी। डॉक्ट्रिन ऑफ आजीविका, आजीविका सेक्ट जो है 500 BC से लेकर 300 AD तक संसार में एग्जिस्ट करती रही, और ये हीटरोडॉक्स सेक्ट था, और एट द टाइम ऑफ बुद्धा के टाइम पर आजीविका सेक्ट आया। अब फ्रेंड मटेरियलिस्टिक व्यू में एक चार्वाक फिलॉसफी देखते हैं, चार्वाक की क्या फिलॉसफी थी। इनकी फिलॉसफी को लोकयुक्त कहा जाता था, और ये लोकयुक्त नाम से फेमस भी हुई जस्ट बिकॉज ऑफ इनकी फिलॉसफी में आइडियाज ड्रिवन फ्रॉम कॉमन पीपल, मतलब ये कि आम आदमी से आइडियाज लिए गए थे। और मेन एक्सपाउंडर ऑफ द मटेरियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, यानी कि चार्वाक जो थे मटेरियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ के मेन एक्सपाउंडर थे इस धरती पे, मतलब इन इंडियन एंशंट हिस्ट्री, एंड फिलॉसफी केम टू बी नोन एज लोकयुक्त। ही अपोज्ड द स्पिरिचुअल सॉल्वेशन, यानी कि इन्होंने भक्ति धर्म और धर्म भक्ति और स्पिरिचुअल जितना भी आध्यात्मिक टाइप का सॉल्वेशन प्राप्ति के जो भी रास्ते थे उन्होंने इन्हें अपोज किया। और ही डिनाइड एनी सुपर नेचुरल पावर और एजेंसी, इन्होंने किसी भी दैवीय शक्ति या किसी भी संस्था या संगठन को इनकार कर दिया कि वो एग्जिस्टेंस नहीं करती है, एंड एक्सेप्टेड ओनली दोज थिंग्स जो कि इन्होंने उन चीज़ों पे ही यकीन किया जो कि सेंस बाय ह्यूमन ऑर्गन, मतलब जो कि एक मानव शरीर जो है उनको महसूस करता है, सेंस करता है। ओके फ्रेंड्स, चार्वाक जी ने कहा कि ब्राह्मण्स मैन्युफैक्चर्ड रिचुअल्स फॉर एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स एंड तपशिला, चार्वाक जी ने कहा कि ब्राह्मण्स जो हैं उन्होंने रिचुअल्स जो भी नियम है वो इस वजह से बनाए हैं ताकि वो गिफ्ट्स और दक्षिणा ले सकें। सो फ्रेंड्स, मटेरियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इंडियन फिलॉसफीज के बारे में जान चुके हैं, 6 जो है ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स थे और मटेरियलिस्टिक व्यू में हीटरोडॉक्स सेक्ट था, तो ये जो है ये अब हम जान चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक, आगे अगली वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके सामने आने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन में। तो फ्रेंड्स कीप इन टच, एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।